हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा से एक आईटी इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं। आज मैं, जैसा कि मेरे पीछे वीडियो आपने देखा होगा कार्टे रिफिलिंग वाला, आज मैं आपको कार्टे रिफिलिंग पे फुल वीडियो बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखें दोस्त, ये ध्यान रहे दोस्त, एचपी के प्रिंटर में एचपी के टोनर डालेंगे दोस्त, सैमसंग में सैमसंग का डालेंगे। तो आज देखिए, एक हमारे पास एक 88 कार्टेज है, इसमें देखिए सील पैक टोनर है, मैं आज आप डाल के बताता हूँ। और दोस्त, इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी आ रही है, पेपर क्वालिटी बिल्कुल कट रहा है ऐसे। अभी आज देखें, आज मैं आपको इसको करता हूँ। सबसे पहले जैसा मैं आपको बताया था, ये देखिए दोस्त, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखें, ये फर्स्ट ब्लॉक इसको रिमूव करें। आज फुल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखें। ये देखें, ये बिल्कुल प्रेम से ये निकल गया। इसको साइड में रखें, उसके बाद ड्रम ये प्रेस करें, आगे का थोड़ा प्रेस करें, और इसकी मदद से थोड़ा सा प्रेस करें दोस्त इसको। ये देखें, ये आ गया, थोड़ा सा बाहर करें, उसके बाद इसको ट्यूबलेस से आराम से, ये देखें, ये बाहर आ गया। उसके बाद ये ड्रम यूनिट ऐसे करें, ये देखिए बाहर, ये बहुत सेंसिटिव होता है दोस्त, इसको पहले बिल्कुल कपड़ा से, यादरेस पे स्पोर्ट ना आए दोस्त। ये देखें, इसको बिल्कुल अच्छी तरीका से इसको ये साफ करें, यहाँ पे रखें। उसके बाद दोस्त, अब इसके अंदर कोई नट्स नहीं है, इसको ये थोड़ा राइट वाला जो हैंड है, इसको थोड़ा सा ये प्रेस करें इधर। ये देखें, ये आ गया दोस्त, उसके अंदर ये हमारा, ये देखिए दोस्त, ये पीसीआर, ठीक है दोस्त। अगर इस पे स्पॉट होगा तो पेपर में भी स्पॉट आएगा दोस्त, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बताया था, इसके अंदर बेस्ट टोनर होता है, आज मैं आपको बेस्ट टोनर भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको ओपन करें, एक नट यहाँ पे है दोस्त, और ये देखिए दूसरा यहाँ पे है, ठीक है दोस्त। ये दो नट हमने खोला, और ये देखिए ब्लेड्स, ये देखें हैं बेस्ट टोनर दोस्त। मैं अपने चैनल पे कोई भी बकवास वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको ध्यान रहे, बिल्कुल जो जेन्यून है, ग्राउंड का नॉलेज देता हूँ दोस्त। ये देखें बेस्ट टोनर, इसको मैं क्या करूँगा यहीं पे, ये देखें, ये क्या है दोस्त, बेस्ट टोनर, मतलब जो हमारे एक कार्टेज रन होता है तो इसके अंदर कुछ बेस्ट टोनर बच जाता है। ये देखें, इसको ऐसे साफ करें ये कपड़े से, इसको इधर रखें। उसके बाद ये देखें दोस्त, हमारा ब्लेड, इस ब्लेड को भी ये देखें कितना अच्छा से साफ हो जाएगा दोस्त। ये देखें, ये क्लीन हो गया, ये देखें, अभी देखें, अभी बस सेम, सबसे पहले इसमें ब्लेड, ये देखें कट्स होते हैं दोस्त दो, ये देखें ये दो कट्स हैं, इसमें से फिर ये बिल्कुल बैठ जाएगा दोस्त कट्स पे। उसके बाद इसके सेम दो स्क्रू, एक ये यहाँ पे, और एक दूसरा स्क्रू भी, ये देखें दोस्त, ये दूसरे स्क्रू यहाँ पे, इसको क्या है, ये देखें एक और ये दो, इसको क्या है, रुके पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ फिर उसको लगाता हूँ। ये दोस्त, ये फर्स्ट स्क्रू हमने लगा दिया, ये पहला प्रोसीजर करना है दोस्त। अगर आप सोचते हो कि एक हम अच्छा कार्टेज रिफिल कर पाए, लाइनिंग ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम, सबसे पहले ब्लेड्स निकालें, इसके अंदर बेस्ट टोनर निकालें, उस ब्लेड को साफ़ करें दोस्त। ये देखें, जैसा कि मैंने इस ब्लेड को साफ कर दिया, ये देखें क्लीन हो गया। एक पार्ट को मैं इधर रखता हूँ, दूसरा पार्ट हमारा ये ड्रम, जिसको भी देखिए दोस्त, अगर ये ड्रम ख़राब हो ऐसे तो ठीक है सर, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्त, ऐसे अभी सही है ये। ये देखें, इसको रख दिया, फिर इसको भी साफ़ कर दे दोस्त, पीसीआर को ये साफ़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टोनर का पार्ट, ये देखिए दोस्त, अभी इसको मैं क्या है ओपन करता हूँ, एक यहाँ से नट है दोस्त, इसको ओपन करें, और एक यहाँ से है दोस्त, ये
दूसरा नट है, इसको भी आप खोलें और इसको देखो एकदम ध्यान पूर्वक धीरे से निकालें। और ये देखें 1 2, ये व्हील को निकालें, फिर इसके बैक साइड में जाए। मेरा फर्स्ट वीडियो में कार्टेज फिलिंग में दोस्त, मैं कार्टेज भर के नहीं बताया, आज मैं आपको बिल्कुल कार्टेज को भर के बताऊंगा। ये देखें ये भी निकल गया। उसके बाद ये दोस्त यहाँ से है ना, ये देखें इसको ऐसे उठाएं और धीरे से ये देखें बोटल साइड हो जाएगा, ये निकल गया। और जो मैं इसको बोला था किलिंग करना है, देखें किलिंग कैसे करना है, ध्यान रहे ये वाली पार्ट जो है दोस्त, इसको ऐसे ऊपर रखें ये, और एक कपड़ा की मदद से ये देखें ये देखें ये, ठीक है दोस्त। ये ध्यान रहिए इधर से निकले ना, अगर निकल गया तो इसके अंदर एक ये देखे दोस्त, अभी हमने क्या है इसको क्लीन, अभी देखें इसके कितना अच्छा क्लीन हो गया। इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक रोलर, इसके अंदर टोनर क्या है आके इसी के अंदर वो होता है दोस्त, इसके अंदर आके ये सटता है, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल हमने रेडी कर दिया। और ये बोटल टोनर बोटल, इसके अंदर भी एक ब्लेड से दोस्त, इसको भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये देखें अभी मैं इसमें टोनर आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये बोतल है, इसको आराम से ऐसे खोले और देखिए दोस्त ये बस डल गया दोस्त, ये ले जैसे मैं बोला था, इधर से भी डाल सकते हैं दोस्त, ये देखें यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए फिर बोतल को ले और एकदम धीरे धीरे प्रेम से ये दोस्त ये देख ये लो दोस्त, ये इसको साफ कर दे, ये हमने डाल दिया। अब डालने के बाद कुछ नहीं करना दोस्त, जैसा कि मैं आपको बताया था, ये देखें ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है, इसको इसके ऊपर बस साइड में डालें। ये देखें इसको लगाने पहले इधर सेट करिए, बाइक वाला किया, यहाँ पे एक नट था, ये नट लगा दे, ये देखें ये नट ये मैंने अटैच कर दिया था। और इधर सेम ये पहले व्हील लगाएं, ये देखें ये याद रहे ये वाली जो व्हील है दोस्त, ये इधर नीचे वाला है और ये वाली व्हील ऊपर वाली है, ये वाले ये देखें ये ऊपर वाले हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद दोस्त आप बिल्कुल भी कार्टेज रिफिलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये कट देखें, ये यहाँ पे एक कट है, इसको आराम से ऐसे डालें, ये देखें रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्त एक नट ये ले, इसको लगा दें, ये देखें ये मैंने इसको क्या है दोस्त टाइट कर दिया। और एक दूसरा नट भी है यहाँ पे, ये देखें इसको भी कोई बात नहीं, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त, लेकिन आपको कार्टेज फिलिंग का ऐसा यूट्यूब पे वीडियो फुल वीडियो नहीं मिलेगा दोस्त। इसमें देखिए दोस्त आपको प्रॉब्लम आने वाली बात बताता, अगर ये ख़राब हो गया पीसीआर तो क्या है प्रिंट बिल्कुल लाइट आएगा, तो आप समझ जाना इसको चेंज करना। कुछ और प्रॉब्लम लाइट आएगा तो ड्रम भी ख़राब हो सकता है दोस्त, इसको भी चेंज करना। अगर प्रिंटर के ऊपर कहीं स्पॉट आ रहा हो, इसमें अगर एक स्पॉट होगा तो स्पॉट आएगा दोस्त, तो जो प्रॉब्लम आएगा उसके हिसाब से क्या है आप चेंज करना। अभी मैं लगाने का तरीका, ये देखिए दोस्त इसको क्या है सिंपली ये देखें ऐसे करें और इसको थोड़ा आगे की तरफ स्क्रोल करें, ये ठीक है, ये देखें दोस्त आगे तरफ स्क्रोल कर दिया, बिल्कुल फिट हो गया। अभी ये ध्यान रहे ये इसको मिडिल में डालें और देखें बस ये कट से ये देखें लग गया दोस्त। उसके बाद ही हमारा ड्रम, सबसे पहले ये डालें इधर, नहीं तो टूट सकता है दोस्त, इसमें सबसे टूटने वाली चीज़ आगे वाला है, ये देखें ये ऐसे पहले करें, ये देखें बिल्कुल फिट हो जाएगा, आराम से करेंगे तसल्ली से कोई दिक्कत नहीं। और ये लॉक को यहाँ से इसमें लगा दें, ये देखें लग गया दोस्त। उसके बाद हमारा ये सेम ये देखें इसको लगाने का तरीका बताता हूँ दोस्त,
ये क्या है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, इसको पहले आप हाथ से ऐसे ऊपर करें, और इस कवर है ना, ये कवर के लिए है दोस्त, ये कवर को आगे करें, और ये देखिए अगर लॉक निकल भी जाए तो इसमें इस लॉक को ऐसे फंसाए, और इसको हाथ से ऐसे पकड़ के रखें, एक लॉक तो ये इस कट्स पे जाएगा, दूसरा को ऐसे पकड़े, और देखो इसमें क्या है, करे और छोड़ दे, ये देखिए बिल्कुल फिट, कार्टेज रेडी हो गया दोस्त, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रू है, ये स्क्रू लगा दे, और ये कार्टेज बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये देखिए बिल्कुल ये फिट हो गया दोस्त, कार्टेज का जैसे हमने बोला था आपको, मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, ये देखिए दोस्त, ये देखिए ये रेडी हो गया। ओके दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।